सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अंजलि कश्यप। तो आज एक और वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने, जो कि टॉपिक है हमारा केवीएस पीआरटी बुक के लिए। ऑलरेडी मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा था, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट रहे हैं, तो बस उसी को सॉल्व करने के लिए एक और वीडियो, क्योंकि कभी कभी जंग भी छिड़ जाती थी कमेंट बॉक्स में, और पर्सनली भी मैसेज आया कि मैम यही बुक क्यों, या फिर कुछ भी चीज़ें, तो वो सब डाउट आज मैं क्लियर कर दूंगी। मैंने अपने सामने कुछ मैसेजेस खोल रखे हैं ताकि मैं उसको देख करके मैं आपके रिप्लाई कर सकूं, ठीक है। बट इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूं कि अगर आप चाहते हो कि आप बिना मेहनत किए हुए आप अगर केवीएस क्वालिफाई कर लो, तो सॉरी टू से ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहाँ तक की बात है मार्क्स है 180 का, तो ये सीटेड नहीं है कि आप 10 दिन देख करके वीडियोज़ किसी की भी क्लासेस देख करके और आप केवीएस क्वालिफाई कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मैंने भी सीटेड क्वालिफाई कर रखा है, इसीलिए मैं केवीएस की फॉर्म भर पाई हूँ, और आप लोग जान रहे हो कि मैं भी केवीएस की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ दो चार पीडीएफ पढ़ करके, दो चार क्लासेस देख करके कि बस बता दें अंजलि मैम और मैं कर लूँ, तो वो नहीं होने वाला है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करो, अच्छे बुक्स पढ़ो, मतलब ज़्यादा पढ़ करके तब सिलेक्शन लो, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे टोटल मार्क्स कितने के आते हैं। तो 180 मार्क्स का टोटल हमारा होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम टारगेट लेकर के कितना चले, तो आप 150 प्लस टारगेट रखो, तभी जा करके कहीं ना कहीं आप 130 या फिर 140 पे आओगे, ठीक है। तो देखो, इसका एक एग्जांपल है, अगर आपने सीटेड क्वालिफाई किया होगा, तो अगर आपके दिमाग में ये थिंकिंग रही होगी ना कि हमें सिर्फ क्वालिफाई कर जाना है, तो आप सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स ही लाए होगे, ठीक है, या फिर उससे कम आया होगा तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैंने अपने सीटेड के भी क्लास में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। इसीलिए अगर आप बड़े टारगेट्स रखोगे तो जाके आप कहीं उस पॉइंट पे पहुंचोगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। अगर आप देखोगे तो पहला है आपका जनरल, जनरल इंग्लिश, ठीक है। ये आपका जो फर्स्ट पार्ट में है वो है आपका 10 नंबर का। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके साथ मैंने अपना स्कोर कार्ड शेयर किया था, जिसमें मैंने बिना कुछ पढ़े हुए 157 क्वेश्चन शायद अटेम्प्ट किया था, और मेरे 89 मार्क्स थे, ठीक है। तो उस बेसिस के मतलब उस चीज़ के एनालिसिस पे मैंने सारी चीज़ें निकाली। देखो, जो आपका जनरल इंग्लिश या फिर जनरल हिंदी होता है, इसमें आपके किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं बता देती हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगी कहाँ से पढ़ोगे, ठीक है। इसमें आपको पहला पूछता है दोनों में मिला के, ठीक है, दोनों में मिला के इसमें से आपसे पहले पूछेगा पैसेज, जो कि आपका पूरा डेडिकेटेड होगा 5 मार्क्स का, ठीक है। देन आपसे पूछेगा एंटो साइनो, जो भी आपका विलोम शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द बोलोगे एंटो साइनो, ठीक है। मुहावरे लोकोक्तियां, ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे, और इंग्लिश में इडियम्स फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा, सब मिलाकर के 5, और कुछ रूल्स के क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है, बेसिक्स रूल्स के क्वेश्चन लेंगे। तो ये आपका आता है स्टार्टिंग के 20 मार्क्स में, ठीक है। तो ये जो है आपका पहले क्या आएगा, पैसेज आएगा, और देन एंटो साइनो आएगा। अब देखो, मैं बता रही हूँ बुक्स, अब बात करते हैं बुक्स कौन सी लेनी है। मैंने हिंदी के लिए आपको बता रखी है आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, और इसी बुक पे बहुत डिबेट हो गया था मेरे कमेंट बॉक्स में, मैंने देखा था, बट एट दैट टाइम मैंने रिकमेंड नहीं, मतलब कुछ बोला नहीं उस चीज़ को लेके। बट मैं आदित्य पब्लिकेशन को इसलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि अगर आप उसका देखोगे कंटेंट, पता नहीं यहाँ पे अभी दिखेगा या नहीं, मैं आपको थोड़ा सा कैमरा में जूम करके दिखा देती हूँ कि अगर आप इसकी चीज़ें देखोगे तो ये बहुत छोटी लिखी रहती है और काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रहती है इसमें, ठीक है। तो इफ़ पॉसिबल मैं आपके साथ कुछ पीडीएफ शेयर कर दूंगी। मैंने पूरी बुक कुछ पार्ट इसकी टेलीग्राम पे शेयर कर रखे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ये बुक आपको 100 से 150 तक में मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो आप सिंपली मुझे मैसेज करना, मैं इसकी पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे डाल दूंगी। बट आप कर सकते हो 100-150 में, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट बुक है आपके लिए, ठीक है, हिंदी का आदित्य पब्लिकेशन। और देखो, गलतियाँ किस में नहीं होती है, मैं अगर वीडियोस बनाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे में गलतियाँ नहीं होती है, मेरी वीडियो एकदम परफेक्ट होती है, मैंने कभी ये चीज़ नहीं बोली आपको। तो अगर इसमें दो चार चीज़ें आंसर्स गलत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बुक अच्छी नहीं है, बुक बहुत अच्छी है, आप पढ़ सकते हो। देन इंग्लिश के लिए मैंने हमेशा रिकमेंड किया है
नीतू मैम की बुक, और आप 90% यूट्यूब चैनल देख सकते हो कि इंग्लिश के लिए वो नीतू मैम की ही बुक आपको रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इनकी बुक है बहुत अच्छी है इनकी बुक, ठीक है। ये कुछ ऐसी दिखती है ये बुक, आप देख सकते हो, ठीक है। इनकी फ़ोटो लगी हुई है मैम की, तो आप देख सकते हो ये बुक बहुत अच्छी है। इसके वोकैब सेक्शन मैंने पूरे टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है पीडीएफ बना करके, तो आप वहाँ से वोकैब सेक्शन देख सकते हो, ठीक है। देन ये हो गई बुक की बात, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? आज मैं सारे वो डाउट, सारे वो छोटे छोटे पॉइंट्स लेने वाली हूँ जिसमें आपने कमेंट में सब कुछ मेंशन कर रखा है, मैंने स्क्रीनशॉट रखा है अपने पास ताकि मैं उसको देख करके आपके डाउट सॉल्व कर सकूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? जैसे कि पैसेज आता है 5 नंबर का, तो सीटेट में भी पैसेज आता है, सारे टेट एग्ज़ाम में जो है वो पैसेज आते हैं, तो टेस्ट बुक पे जाओ। एज यूजर मैं टेस्ट बुक ही सजेस्ट करूँ कि बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है टेस्ट देने के लिए, ठीक है। तो आप टेस्ट बुक पे जाओ और उसके बाद फिर जो भी होगा उसमें आप देख लेना, और उसके बाद फिर एक मिनट उसको देख लेना, और फिर आप उसमें से प्रैक्टिस करना। जितने भी टेट एग्ज़ाम होंगे ना, चाहे DSSB, KVS, सीटेड, NVS, ये सब एग्ज़ाम के क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी आप प्रैक्टिस कर जाओ। टेस्ट बुक पे चैप्टर वाइज टेस्ट देता है, तो आप उसमें से हिंदी और इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका था पहला और दूसरा पार्ट, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। पैसेज और एंटोसाइनो जितने भी वो कैप के पोर्शन होते हैं वो आते हैं, एक आधा रूल आ जाती है इस 10-10 क्वेश्चन में, ठीक है, दोनों के सेम ही है। बुक कौन सी लेनी है हिंदी की? आदित्य पब्लिकेशन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले लो। बहुत ये आदित्य पब्लिकेशन तो मैंने बताया ना 150 में देती है, ठीक है। और नीतू मैम की बुक अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो 300 के आसपास मिलेगी, और मैंने ऑफलाइन लिया था तो मुझे 400 में मिली थी, क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट है आपका, अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट पार्ट है आपका जीके। सॉरी मेरे पास ये नहीं है, कपड़ा नहीं, इसलिए मुझे हाथ से ही इरेज करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ये बहुत ईजिली इरेज हो जाता है मार्कर। चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है आपका जनरल अवेयरनेस बोल रहे हो और करंट अफेयर, ठीक है, GA और CA, ठीक है। तो अब देखो इसमें आपको कैसे पढ़ना है मैं आपको बताती हूँ। जनरल अवेयरनेस देखो ये दोनों मिला करके आपके 10 नंबर कहेंगे, ये आपको पता है, ठीक है। इसमें मैंने बुक बताऊँगी और कैसे कहाँ से क्या प्रैक्टिस करना है सब मैं बताऊँगी। अब देखो जो मैंने टेस्ट दिया था ना उसके एनालिसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्वेश्चन कैसे आए थे, कि आपको थोड़े बहुत हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए थे, एक क्वेश्चन थे उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड, देन आपके स्पोर्ट्स थे, स्पोर्ट्स हेडक्वार्टर्स मतलब उसके बाद आपके थे टेंपल, कि ये टेंपल कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है, कहाँ लोकेटेड है। फिर रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो देखो पहली चीज़ें ये समझ लो, ये जो पोर्शन है इसमें बहुत सारे टॉपिक और इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका पोर्शन है ना, इसको अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो ये स्टैटिक्स जीके हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा सारा स्टैटिक्स जीके, कहीं से भी देख लो, बहुत सारे टीचर हैं जो प्रॉपरली डेडिकेटेड स्टैटिक्स जीके को ही पढ़ाते हैं। अगर आप किसी का नाम चाहते हो तो चेतन सर हैं, एग्जामपुर में पढ़ाते हैं, आप वहाँ से उनसे पढ़ सकते हो, नहीं तो आपके ऊपर है, आप किसी भी टीचर से करो, मेरा कोई उनसे मतलब ऐसा नहीं है, बट मैं उनसे पढ़ी थी SSC के टाइम में, तो मुझे वो अच्छे लगे थे, मेरे पास उनकी पूरी नोट्स है जो उन्होंने पढ़ा रखा था, अभी भी वो मेरे पास है नोट्स, तो मैं उस नोट्स को देखूंगी आगे, मैं प्रेफर करूंगी, या फिर सर अगर नए अकॉर्डिंग पढ़ा रहे होंगे तो मैं उनको देखूंगी, ठीक है। तो आप चेतन सर को देख करके स्टैटिक्स जीके वाली पोर्शन पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लोगे, वो बहुत सारी ट्रिक भी बताते हैं याद करने का और अच्छे तरीके से समझाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको दो बुक दिखाई थी, पहला बुक है आपका स्पीडी जो कि आपकी फुल ऑन हिंदी की है, ठीक है, एंड दूसरा बुक है आपका स्पीडी है, ठीक है, और दूसरा बुक है आपका ये वाली है एडुटेरिया, ठीक है। तो ये पूरी इंग्लिश में बुक है, करंट अफेयर की है, ये पूरी ईयरली बुक है, आपको एक साल का करंट अफेयर तो पढ़ना पड़ेगा। देखो बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, एक साल का करंट अफेयर पूरा आपको डेडिकेटेड पढ़ना है। अगर मैं इसका अंदर खोल के दिखा दूँ तो ये रही, इस तरीके से बुक दे रखी है, ठीक है। तो ये है स्पीडी, अभी मेरे पास नहीं है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ वैसे बहुत सारे व्लॉग में, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। स्पीडी बहुत अच्छी बुक है, आप ले सकते हो, जो हिंदी वाले हैं और जो इंग्लिश वाले हो वो ये ले लेना, क्योंकि मेरे पास दोनों हैं, ठीक है, क्योंकि स्पीडी में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये बुक मुझे आई थिंक 60 में मिली थी और स्पीडी वाली बुक मुझे भी 60 या 70 के अराउंड मिली थी, तो आप ले सकते हो।
एक साल का अभी तक आप पढ़ लो, देन अभी से जो भी करंट अफेयर होंगे वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया है जनवरी से, तो जनवरी से मैं अभी तक पढ़ूंगी, फिर उसके बाद जो जब तक एग्ज़ाम नहीं हुए तब तक मैं करंट अफेयर पढ़ूंगी, ठीक है। ये अब देखो, अब इसमें आपको करना क्या है, जैसे मान लो ये तो हो गया बुक्स मैंने बता दिए, अब क्वेश्चन वापस से मैं जाऊंगी टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक मेरा बेस्ट मतलब टेस्ट का वो है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ से करंट अफेयर के लिए एक सेक्शन बना होता है कि आप सर्च करोगे करंट अफेयर टेस्ट, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर के एक प्रॉपर सेक्शन दे देंगे जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, या फिर अगर आप इसमें करोगे तो स्टैटिक्स जीके डाल दोगे, स्टैटिक्स जीके क्वेश्चन, तो वो सारे उसमें आ जाएंगे, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर और जीए का, जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। तो मुझे मिल गया है एक कपड़ा जिसे मैं इरेज कर दूंगी, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है आपका रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग ये होता है आपका 5 मार्क्स का, ये आपको पता होना चाहिए। देखो रीजनिंग में मैं आपको कभी नहीं बोलूँगी कि आप इतनी मोटी सी बुक ले लो। अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँ तो मेरे पास आर एस अग्रवाल की एक बुक है जो कि वर्बल नॉन वर्बल की बुक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, वो इतनी मोटी सी बुक है, आप उसको कर सकते हो। लेकिन क्या आपके पास उतना टाइम है 5 मार्क्स के रीजनिंग के लिए? इतनी मोटी सी बुक वर्थ इट है? बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। सेम आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। लेकिन अगर किसी को मन हो कि हाँ मुझे चाहिए बुक, तो आप आर एस अग्रवाल की बुक ले सकते हो या फिर अरिहंत की बुक ले सकते हो, कोई भी SSC लेवल की जो बुक होगी ना वो आप ले करके उसमें बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेम कहाँ से करोगे? टेक्स्ट बुक पे जाना, ऊपर में सर्च सेक्शन में सर्च करना रीजनिंग क्वेश्चन, जितने भी ऐसे, हाँ लेकिन आपको रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो SSC लेवल के करने पड़ेंगे, ठीक है। जितने भी SSC एग्ज़ाम हुए हैं आई थिंक उसमें 17,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन दे रखा है रीजनिंग का, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग का, ठीक है। जितने भी SSC के एग्ज़ाम हुए, चाहे CGL हो, MTS हो, CHSL हो, CPO हो, सारे एग्ज़ाम, JEE हो, सबके रीजनिंग के क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। 17,000 क्वेश्चन मोर देन इनफ होता है, इतने तो हम कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इतना ही बताऊँगी, ठीक है। बाकी अगर बुक लेना हो, किसी को बुक चाहिए होगा तो आप ले सकते हो, कौन सी बुक मैंने बता दिया, आर एस अग्रवाल। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर देखो, मैंने कंप्यूटर में आपको पहले भी बोला था कि सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो, ठीक है। मैं अभी भी आपको वही बोलूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही फोकस करना। लेकिन अगर आपको कोई बुक चाहिए तो आप ये बुक ले सकते हो, मैंने कुछ दिन पहले लिया, ये भी मुझे 60 या 70 के अराउंड पड़ा है, 75 के अराउंड पड़ा, ठीक है। एंड इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बुक अवेलेबल होती है, तो आप ले लेना और उसके बाद फिर इससे प्रैक्टिस कर लेना। इसमें 228 पेज है, बट इसमें से भी आप कैसे करोगे ये देख लो, ठीक है। जो जो थोड़ा बहुत लगे, हर चैप्टर से इन्होंने 50 क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, 50-60 के आसपास क्वेश्चन है, और चैप्टर है 13, तो आप देख लो कि 650 के आसपास क्वेश्चन है ये, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बुक है, लूसेंट की बुक है, कंप्यूटर की बुक है, आप ले सकते हो बिल्कुल, ठीक है। और जो मैं बुक आपको बता रही हूँ ना, उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, आप इजीली खरीद सकते हो, ठीक है। बाकी आपके ऑफलाइन स्टोर्स में भी अवेलेबल होती है सारी बुक। कंप्यूटर ये रहा, ये भी आपका 5 मार्क्स का है। सेम वही मैं बोलूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको करना क्या है, कंप्यूटर टेस्ट डालोगे टेस्ट बुक पे, आपको सारे एग्ज़ाम के, जितने भी कंप्यूटर के एग्ज़ाम हुए वो सब आपको टेस्ट मिल जाएगा, और आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर के बाद हमारा आता है सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि है आपका एजुकेशन एंड लीडरशिप, मतलब कि पैडागॉजी, जिसको आप लोग पैडागॉजी बोलो, CDP बोलो, साइकोलॉजी बोलो, कुछ भी बोलो, सब वही है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये आपका होता है पूरा का पूरा 60 मार्क्स का, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले मैं आज भी अपने वर्ड पे बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि क्या NCERT से ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो देखो मैंने हमेशा आपको बताया कि NCERT भी मैं कैसे पढ़ती हूँ वो भी मैं बता देती हूँ। देखो पहले ये दोनों बुक है, ये है 11th की बुक जो कि हिंदी में है, और ये है 12th की बुक जो कि वो भी हिंदी में है, मनोविज्ञान के नाम से है, साइकोलॉजी के नाम से है। 11th और 12th की NCERT में फिर से बोलूँगी, NCERT 11th एंड 12th। अब इसको पढ़ना कैसे है मैं ये भी बता देती हूँ। जैसे मान लो कि सेकेंड यूनिट जो है हमारा, सेकेंड पार्ट जो है साइकोलॉजी का, उसमें है लर्निंग। तो लर्निंग की जो टॉपिक है, अगर मान लो आप देखोगे 11th की बुक में, तो वो जो है लर्निंग की टॉपिक
वो है आपका चैप्टर नंबर 6 में, तो आपको वो चैप्टर नंबर 6 पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशनड है उसको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो सिलेबस का प्रिंट आउट रखो या फिर उसको अपनी कॉपी में लिख करके रखो। मेरे पास कॉपी में लिखा हुआ है, तो मैं जब भी पढ़ती हूँ तो उससे पहले एक बार सिलेबस पलट के ज़रूर देख लेती हूँ, ठीक है। दूसरा, कुछ टॉपिक जो है वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको कहाँ जाना है, NIOS के बुक पे, DLED की बुक पे, DLED के बुक पे आपको जाना है। और ये भी जो है आपको अवेलेबल है नेट पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ये बुक, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। देन आपका है, अगर मान लो एक दो पॉइंट ऐसे हैं, जैसे मैं कल आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया करिकुलम टॉपिक का नोट्स, ठीक है, तो वो इसमें भी नहीं थी और इसमें भी नहीं थी अच्छे तरीके से। तो मैंने कहाँ से देखा, मैंने थोड़ा बहुत बस ऐसे डाला करिकुलम नोट्स नेट पे, तो वो आ गया मुझे, तो वो मुझे पता चला कि वो इग्नू की बुक्स हैं। तो इग्नू की बुक्स, इग्नू बीएड की बुक्स, जो कि कुछ टॉपिक आपको उसे करने पड़ेंगे, जैसे करिकुलम पूरा डिटेल में ना NIOS में था और NCERT में भी नहीं था, तो इग्नू से मुझे करना पड़ा। अभी मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे, मतलब कल, क्योंकि आपको ये वीडियो आज जिस दिन मिल रहा है उससे एक दिन पहले, मैंने ये टेलीग्राम पे एक दो PDF शेयर की है। पहला है आपका NEP 2020 और दूसरा है आपका NCERT। तो ये दोनों टॉपिक आप उस PDF से कर लोगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने शेयर कर दिया, तो आप वहाँ से कर लोगे, ठीक है। तो ये था आपका बुक, ठीक है। अब देखो ये करना पड़ेगा, जैसे मान लो कुछ टॉपिक जो हैं वो ना आपको इसमें मिलेंगे ना इसमें मिलेंगे, तो आपको इस पे जाना पड़ेगा। कुछ टॉपिक जो है वो इससे भी पढ़ के काम चल जाएगा, कुछ टॉपिक जो है वो सिर्फ इससे भी पढ़ के काम चल जाएगा, ठीक है। बट स्टिल आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, आप लोगों ने मेरे नोट्स देखे हैं, तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने अपने नोट्स टेलीग्राम पे शेयर किए हैं। अभी तक आई थिंक, मुझे लगता है कि मैंने 15 टॉपिक शेयर किया होगा, हाँ 10-15 टॉपिक मैंने शेयर किया है नोट्स बना करके। तो आपको क्या करना है कि कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, एंड देन उसमें जो नोट्स है वो डाउनलोड करके पढ़ लेना है। अब देखो मैं फिर से बोल रही हूँ कि मेरे नोट्स जो हैं वो इन तीनों का मिक्सअप ही है, बट फिर भी मैं यही बोलूँगी, इसका तो नहीं है, बहुत सारे टॉपिक इसका है, बट करिकुलम जो है वो इग्नू के बीएड के ही बुक का है और कुछ यूट्यूब चैनल्स के थ्रू है। तो आपको मेरे नोट्स 80% ही हेल्प करेंगे। आप पहले खुद पढ़ो, फिर जाके उस नोट्स को पढ़ो, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी भी उस टेलीग्राम चैनल पे 600 लोग जुड़े हुए हैं जो मेरे नोट्स से पढ़ रहे हैं, और रोज़ 250-300 लोग जो है उस नोट्स से पढ़ते हैं, तो उन्हें पसंद आ रहा है। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट, ये तो बुक की बात थी, दूसरा है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर कहाँ से होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, कहाँ से होगा, फिर से मैं वही बोलूँगी, DSSB KVS सीटेड NVS रीट, जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं, चाहे वो PRT हो, चाहे वो ये हो PRT वाले हो या फिर TGT वाले हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आपके पैडागॉजी, साइकोलॉजी, टीचिंग एम्पिट्यूड जिससे भी रिलेटेड है, जितने भी क्वेश्चन हैं, ये 60 मार्क्स का आप उससे प्रैक्टिस कर जाओ। अगर आपके पास सरोहा बुक नहीं है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों को PDF से पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि बस उससे प्रैक्टिस कर जाओ। जो गलत क्वेश्चन होंगे उसको आप क्या करना, फिर अपनी कॉपी में लिखना जिसमें नोट्स बना रहे हो, ठीक है, क्योंकि PDF से पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट स्टिल मैं सरोहा पब्लिकेशन बुक की आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर रही हूँ, बहुत लोग उससे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट ये अगर बुक से प्रैक्टिस कर भी रहे हो तो ये बिल्कुल मत छोड़ना। जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं, मैंने बहुत कम लिखे हैं, बहुत सारे टेट एग्ज़ाम होते हैं, HTET होता है आपका, UPTET होता है, UPTGT, PGT, PRT सब होता है, ठीक है। तो सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपको पैडागॉजी के प्रैक्टिस कर लेने हैं। जब सब एग्ज़ाम के कर लोगे ना, तो आपका कम से कम 10,000 से 12,000 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगा। अब ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि ये 10-12 हज़ार क्वेश्चन आपके माइंड में हो, लेकिन इतना तो हम एनालिसिस कर सकते हैं ना कि हमारे दिमाग में 7,000 क्वेश्चन तो आएगा। तो 7,000 टाइप के क्वेश्चन हमारे अगर दिमाग में हैं, तो समझ लो कि इस 60 में से 50 हमारे बन जाएंगे, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद गारंटी है ये मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, 60 में से आपके 50। तो पैडागॉजी पे बहुत फोकस करो, दिन कम से कम 2 से 2.5 घंटा उस पे दो। मेरे नोट्स सिर्फ और सिर्फ आपको 80% ही हेल्प करेंगे, बाकी आपका अपना मेहनत होगा। और अगर मेहनत नहीं कर सकते हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आपको करना पड़ेगा। अगर आप KVS में एक अपना सीट चाहते हो तो, और आपको लेना सिर्फ एक ही सीट है,
एक ही सीट के लिए लड़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसको लेकर के, ठीक है। वैसे मैंने बहुत बारी बताया है इस चीज़ को लेकर के, बट स्टिल एक और बार, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें है आपका वापस से इंग्लिश, जो कि है आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। देन है आपका हिंदी, पहले इंग्लिश की ही बात करते। इंग्लिश में मैंने आपको एंटो साइनो सब कुछ बता दिया, बुक मैंने बता दिया, नीतू मैम की बुक ही पढ़नी है इसमें भी आपको, नीतू मैम की बुक है, ठीक है। तो देखो ये बुक जब आप पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और एक और चीज़ बता दूंगी कि जो इसमें रूल्स दिए गए हैं उसको पढ़ जाओ, ठीक है। और इंग्लिश में एक बात हमेशा याद रखना, हिंदी में आप ये मत ध्यान रखना लेकिन इंग्लिश में याद रखना कि कभी भी आप डिडक्टिव मेथड यूज़ मत करना। अब डिडक्टिव मेथड क्या होता है कि पहले रूल पढ़ा फिर उसके एग्जांपल पढ़े, मतलब रूल पढ़े जा रहे हैं, ये मैं अपने एनालिसिस से बता रही हूँ, आप कर सकते हो, ठीक है। दोनों प्रोसेस आप अपना के देखना, डिडक्टिव मेथड पहले रूल पढ़ा फिर एग्जांपल देखा, आप इंडक्टिव करो बहुत फ़ायदा होगा। इंडक्टिव से क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इंडक्टिव करोगे तो उससे क्या होगा कि पहले आपने 10 क्वेश्चन देखे, ठीक है, उससे आपको 10 रूल पता चल गए। लेकिन डिडक्टिव में क्या होगा, आप एक रूल देखोगे उसके 10 क्वेश्चन देखोगे, तो 10 क्वेश्चन से 10 रूल ज़्यादा बेटर है कि एक रूल से 10 क्वेश्चन। तो आप ये करो, बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। मैं भी कर रही हूँ अभी, और मैं स्टार्ट भी करूँगी। आप लोग मेरे ब्लॉग देखते ही हूँ, मैं जो भी गलतियाँ करती हूँ ना वो सब मैं आपको बताती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ तो वो छुपा के कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने ब्लॉग में भी आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, मैं यहाँ भी कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ोगे। और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, सेम एज इट इज टेस्ट बुक से करना है, बुक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट बुक पे जाओ, इंग्लिश टेस्ट सर्च करो, और जितने भी इंग्लिश टेस्ट होंगे ना इंग्लिश से रिलेटेड, सारे टेट एग्ज़ाम के कर डालो। सेम एज इट इज़ मैं वही बोलूँगी, जितने भी आज तक टेट एग्ज़ाम हुए हैं, जो भी मैंने बताया, DSSSB, NVS, KVS, रीट, HTET, UPTET, सब एग्ज़ाम के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो, इंग्लिश में भी और सेम हिंदी में भी। यही है जो कि आपका क्या है, 20 नंबर का है सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, ठीक है। ये हो गया। देन आपका है मैथ्स एंड EVS। देखो मैथ्स और EVS में ना बड़ा डाउट है कि NCERT कहाँ तक पढ़ा जाए, ठीक है। तो मैं दोनों डाउट को आपके सॉल्व करूँगी, तो चलिए देख लेते हैं। मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ इस तरीके से, मैथ्स एंड EVS, ठीक है। तो मैथ्स आपका जो है, देखो मैथ्स में जो लेवल है ना, 1 to 5 की अगर बुक्स देखोगे तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, स्टोरीज़ के थ्रू आपको बता रखा है। लेकिन अगर आप वही CBSE की बुक देखोगे जब मैथ्स की, तो 3-4 में भी काफ़ी अच्छे कंटेंट दे रखे हैं उन्होंने, ठीक है। तो अगर आपके पास आसपास कोई बच्चा है जो CBSE से कर रहा हो तो आप उससे बुक लेकर के देख सकते हो, ठीक है। बट CBSE पे नहीं जाना, NCERT पे ही रहना। तो NCERT आप 3 to 5 की देख लो, ठीक है। अगर उसमें कुछ यूज़फुल लग रहा है तो आप अपने बेसिक्स क्लियर कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको 6 to 8 तो करना ही करना है, ठीक है। अगर 6 to 8 हो जाए, 6 to 8 अगर हो जाए, तो फिर आपको क्या करना है कि आप 9th और 10th की बुक देख लेना। बट ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप देख लें जो टॉपिक आए, जैसे मान लो नंबर सिस्टम है तो 9th की नंबर सिस्टम की बुक देख लेना, 9th ही तक रहने देना, बट 9th की देख लेना, नंबर सिस्टम के चैप्टर देख लेना, NCERT जो भी होंगे उससे, ठीक है। देन मैंने आपको मैथ्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, आप उसको भी देख सकते हो जाके चैनल पे मेरे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अगेन वही मैं बोलूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने भी टेट एग्ज़ाम हुए हैं ना, जितने भी टेट PRT वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सब कर लो, हाँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें आप PGT TGT मत करना, क्योंकि PGT और TGT का लेवल अच्छा रहता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो टेट एग्ज़ाम है, सीटेड वाले एग्ज़ाम हैं, ये सब वाले हैं, उसमें से करना क्वेश्चन प्रैक्टिस। KVS हो गया, DSSSB, PRT हो गया, वो सब आप कर सकते हो। और एक और चीज़, बहुत सारे लोग को ना मैथ्स में डाउट होता है, तो मैंने कुछ स्टूडेंट से बात करी थी, तो उन्होंने, मैं नहीं सजेस्ट करी, उन्होंने बोला कि हितेश मैथ्स करके एक चैनल है, मैंने पहली बार नाम सुना था, मैंने उनके चैनल पर विज़िट किया, तो मैंने देखा नहीं है वीडियो, बट काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स थे उनके वीडियो में, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, हितेश मैथ्स करके एक चैनल है, उसमें आप जा कर के देख सकते हो, शायद 300 में वो पूरी मैथ्स करा रहे हैं, तो आप देख सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर ले सकते हो तो कर लेना। बाकी सब ने बोला है कि वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते, तो आप पहले डेमो देख लेना यूट्यूब पर, फिर जाना, नहीं तो बाकी तो सेल्फ स्टडी के लिए इतना मटेरियल काफ़ी है, और टेस्ट तो ज़रूर ही देना है। देन आपका EVS,
ईवीएस में ना बड़ा कन्फ्यूजन अभी तक बना हुआ है, इवन मैं भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूज हूँ कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये करो कि 3 से 5th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर दो। ठीक है, अब एनसीईआरटी कंप्लीट करोगे कहाँ से, मैंने बता रखा है लोकेश सर से कर लो। एंड ईवीएस की एक ऐसी बुक ले लो जिसमें सारे टेट एग्जाम के क्वेश्चन दे रखे हों, तो वो बुक ले लो, एक कोई भी बुक ले लो। वो बुक मुझे अभी नहीं पता है क्योंकि मैंने खुद भी नहीं लिया, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। रिसर्च करो, थोड़ा बात करो अपने दोस्तों से, दिन जाके आप एक एग्ज़ाम बुक ले लो। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे आप, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें आपको ईवीएस आते हैं, सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाओ टेक्स्ट बुक से के टेस्ट सीरीज से। तो देखो, ये था पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट और पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग ना, मैंने कमेंट देखा था, बट मुझे इस कमेंट से बुरा नहीं लगा था, बट मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने बोला था कि पीआरटी जैसे एग्ज़ाम के लिए आप यूपीएससी वाली तैयारी कर रही हूँ। देखो, बिल्कुल आप करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं एवरेज ही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं एवरेज हूँ। तो मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या क्या है, तो बस उसी पे वर्क करना है आपको। ठीक है, और बाकी जो आपको डाउट हो, जो आपका सजेशन हो, वो नीचे कमेंट में बताइएगा मुझे। अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस को पहचानो, कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आपके पास मेरा नंबर रहता है, सब कुछ रहता है। आप कभी भी, और कॉल ज़्यादा जल्दी मत करना, मैसेज कर देना। मैं कॉल हो सकता है कभी मिस कर देती हूँ, पढ़ते रहती हूँ या फिर कुछ काम रहता है, तो मैं मैसेज का रिप्लाई तो एक दिन के अंदर ही कर देती हूँ, और कमेंट्स के भी रिप्लाई कर देती हूँ एक दिन के अंदर। तो ये पूरा जो मैंने बताया है ना, जितने बुक्स, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के तरीके, वो सब और सब आपको बहुत इफ़ेक्टिव होगा। और अगर अभी से भी आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर कब पढ़ोगे, उठो। ठीक है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, उठो जागो, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो कम से कम आप 10 घंटे तो दो ही अपने स्टडी को, क्योंकि अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो फिर आप 6-7 घंटे में काम चला सकते हो, लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो 10 घंटे पढ़ो। और बहुत स्टूडेंट अभी भी यही बोल रहे हैं कि मैम कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करना है। अरे कुछ स्टार्ट नहीं करना है, सॉरी, स्टार्ट तो करना है, जो मैंने आज बताया है ना उसी तरीके से पढ़ना स्टार्ट तो करो यार, हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो मैंने बुक्स बताया है वो ले लो, अगर ले सकते हो तो, नहीं ले सकते हो तो बस एक टेक्स्ट बुक्स में इन्वेस्ट करो 300 रुपीज़। कुछ स्टूडेंट को मैंने भी दिया, 2-3 स्टूडेंट्स को, और बाकी जो नहीं, मतलब बाकी जो हैं वो आप देख लो, 300 में अभी अवेलेबल है क्योंकि अभी सेल चल रहा है, तो 300 में आपको मिल जाएगा। बाकी मैं कोई कोड दे दूंगी नीचे, हाँ नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेना, एक कोड ज़रूर होगा जिसमें आपको 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ ऐसे ऑफ मिल जाएगा, तो वो देख लेना। फिर आप बता देना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करके। एंड आई होप कि अब बुक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं तक रखते, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। बस 4 डालो यार, SPC को याद रखो, सेल्फ ट्रस्ट, पॉजिटिव माइंडसेट एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स। बाय बाय एंड टेक केयर।